सो गाइस, किसी का भाई किसी की जान मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है और इस मूवी को मैंने देख लिया है। तो ये मूवी मुझे कैसी लगी, क्या इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो गाइस, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी के स्टार्टिंग के 5 मिनट में सलमान भाई की एंट्री हो जाती है इस मूवी में, और वो एंट्री सीन देख के और एंट्री के साथ जो BGM बजता है बैकग्राउंड में, वो सलमान भाई की एंट्री वाला वो सीन देख के तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा आधा पैसा यहीं पे वसूल हो गया गाइस। और उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है तो उसमें भाइयों वाला एंगल आ जाता है। उसमें बताया गया है कि गाइस कि सलमान भाई के 3 छोटे भाई है और वो तीनों छोटे भाइयों की वजह से सलमान खान ने शादी नहीं की है, लेकिन सलमान भाई के तीनों छोटे भाइयों की गर्लफ्रेंड है और वो तीनों छोटे भाई अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात वो सलमान भाई को बता भी नहीं सकते। ऐसी उनके सामने सिचुएशन होती है। तो उसके बाद वो तीनों छोटे भाई ये सोचते हैं कि पहले सलमान भाई की शादी कराएंगे, उसके बाद खुद की शादी करेंगे। उसके बाद इस फिल्म में एंट्री होती है पूजा हेगड़े की, और पूजा हेगड़े की जब एंट्री इस मूवी में होती है भाई, वो ये सोचते हैं कि हम पूजा हेगड़े की शादी सलमान भाई से कराएंगे। और उसके बाद फिल्म में शुरू होता है सलमान भाई और पूजा हेगड़े का रोमांस। और जो पूजा हेगड़े जो साउथ फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके भाई है वेंकटेश। वेंकटेश एक नॉन वायलेंस इंसान है जिन्हें वायलेंस पसंद नहीं है। और इस फिल्म में विलन भी है, जो विलन पूजा हेगड़े की पूरी फैमिली को मारना चाहता है। फिर क्या, फिर सलमान भाई किस तरीके से पूजा हेगड़े से शादी करते हैं और किस तरीके से उस विलन से पूजा हेगड़े की पूरी फैमिली को बचाते हैं, ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस, थोड़ी बहुत तो कमी आपको हर फिल्म में मिलेगी, तो थोड़ी बहुत कमियां तो इस फिल्म में भी है, लेकिन अगर हम हर फिल्म में सिर्फ कमियां ही ढूंढते रह जाएंगे तो ऑडियंस को कोई भी फिल्म पसंद नहीं आएगी, किसी भी इंडस्ट्री की हो। तो इस फिल्म में जो भी थोड़ी बहुत गलती है, अगर उस गलतियों को थोड़ा साइड में रख के अगर इस फिल्म को हम देखेंगे तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। सो गाइस, सलमान भाई की एंट्री जब मैंने देखी स्टार्टिंग में तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा पूरा आधा पैसा वसूल हो गया, इतनी जबरदस्त एंट्री थी। लेकिन जब पूजा हेगड़े और सलमान भाई का रोमांस वाला एंगल फिल्म में शुरू हो जाता है तो पूरी फिल्म बचकानी हो जाती है। तो जो फिल्म देखने का मेरा इंटरेस्ट था वो भी कम होते जा रहा था। लेकिन गाइस, इंट्रोल से पहले एक एक्शन सिक्वेंस आता है, मेट्रो वाला एक्शन सिक्वेंस। वो उस एक्शन सिक्वेंस से मूवी जबरदस्त कमबैक करती है गाइस। तो वो मेट्रो वाला एक्शन सिक्वेंस गाइस, जो मूवी देखने का मेरा इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा था, तो वो एक्शन सिक्वेंस देखने के बाद मेरे अंदर वो इंटरेस्ट दोबारा से आ गया। इतना जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस था वो। इंटरवल पॉइंट पे इस मूवी में एक ट्विस्ट भी आता है, वो ट्विस्ट देखने के बाद आप ये जानने के लिए मजबूर हो जाओगे कि इस मूवी में आगे क्या होगा। और इंटरवल के बाद तो ये पूरी की पूरी मूवी धासु बन जाती है गाइस। इंटरवल के बाद ये मूवी कब स्टार्ट होगी कब खत्म होगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इस फिल्म में क्लाइमेक्स में भी एक ट्विस्ट है, जब आप ये फिल्म देखोगे तो वो ट्विस्ट भी आपको काफी पसंद आएगा और इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी आपको जरूर पसंद आएगा। और जब आप ये मूवी सिनेमा हॉल से देख के बाहर निकलोगे तो आप यही सोचोगे कि पूरा पैसा वसूल हो गया। अगर सलमान खान इस फिल्म के भाई है तो इसके एक्शन सीक्वेंस इस पूरी फिल्म की जान है। बाकी इस फिल्म में जितने भी गाने हैं तो सभी गाने ठीक ठाक लगते हैं गाइस, कोई ऐसे चार्ट बस्टर सॉन्ग नहीं है इस मूवी में, लेकिन ठीक ठाक सॉन्ग है। और इस फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट है, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी एक्टिंग अच्छी की है। लेकिन जो सलमान खान के फैंस है वो सलमान खान का लुक, स्टाइल, स्वैग, एक्शन देख के तो पागल ही हो जाएंगे गाइस। और जो सलमान खान के डायट फैंस है उन लोगों को मैं बता दूं गाइस, जो आप सलमान खान की फिल्म में देखना चाहते हैं वो सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सलमान भाई का स्टाइल, स्वैग, एक्शन, शर्टलेस सीन, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में सलमान भाई का शर्टलेस सीन भी है। तो इस फिल्म में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप एक सलमान खान की फिल्म से उम्मीदें लगाए रखते हो। तो ओवरऑल गाइस, सलमान भाई के फैंस को तो ये मूवी जरूर पसंद आएगी, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो लोग भी इस मूवी को एक बार तो आराम से सिनेमा हॉल में बैठ के इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी गाइज, मैंने तो इस मूवी को एंजॉय किया। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय वंदे मातरम।